सुप्रभात बच्चों, आज पांचवा चैप्टर लेकर के हम लोग एक बार फिर से हैं आपके सामने। और पांचवा चैप्टर है कंटके नैव कंटकम, अर्थात कांटों से ही कांटा होता है। हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो वो गड्ढा हमारे लिए ही काल बन जाता है, इसलिए दूसरे का अहित हमें कभी नहीं सोचना चाहिए और न ही करना चाहिए। कंटकेन एव कंटकम, इसका जब संध करते हैं, संध विच्छेद करते हैं, कंटकेन एव कंटकम, अर्थात कांटों से ही कांटा होता है। इसके पहले इस चैप्टर का नाम था धर्मे धमनम पुण्य पापे पुण्यम, इसी पाठ का नाम बदल गया है, पूरी कहानी वही है। जब किताब संशोधित की गई, कुछ चैप्टर चेंज किए गए, तो उसमें इस पाठ का केवल नाम चेंज किया गया है, बाकी स्टोरी या कहानी वही है। पहले इस पाठ का नाम था धर्मे धमनम पापे पुण्यम, धर्म के कार्य में कष्ट और पाप के कार्य में पुण्य, ये पाठ था। अब इस पाठ को संशोधित करके पाठ का शीर्षक बदल दिया गया है, अब लिखा गया है कंटकेन नैव कंटकम, कंटकेन एव कंटकम, अर्थात कांटों में ही कांटा होता है। अर्थात हम दूसरे के लिए जब हम कांटा होते हैं तो निश्चित रूप से वह कांटा हमारे लिए भी हानिकारक हो जाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया। प्यारे बच्चों, अभी केवल एक बार हमने इस पाठ को पढ़ाया, आपको यह भी आश्चर्य होगा कि आखिर एक बार ही पढ़ाने के बाद अभ्यास कार्य क्यों कराते, इसलिए करा रहा हूं कि आज आप अभ्यास कार्य एक बार कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद अभी हम लगातार जो भी पीरियड मिलेगा उसमें हम लोग इसका ये यूट्यूब पे नहीं बल्कि गूगल मीट पे क्लास होगी, इसलिए आज जो यूट्यूब पे अभ्यास कार्य कराया जा रहा है इसको हम करा दे रहे हैं, और जो बचेगा कल करा देंगे। और कल हमारे ये गूगल क्लास होगी, इसके लिए परसों गूगल क्लास होगी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कंटके नैव कंटकम इसका अभ्यास करा दें। इस अभ्यास कार्य को कराने के बाद इस चैप्टर को हम दो बार और पढ़ा देंगे, ये ध्यान रखेंगे। आज का अभ्यास कार्य कर लीजिए, लेकिन आप सभी से ये शर्त है कि जितना लिखाया जा रहा है, अभी तक चार चैप्टर कंप्लीट कराए जा चुके हैं, वो चार चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि केवल हम सप्ताह में दो ही दिन हमें मिलता है, मंगल और बुध आपके क्लास के लिए, तो और 31 जुलाई तक हमें ये चैप्टर कंप्लीट भी कर लेना है जो सिलेबस में है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं आज अभ्यास कार्य, और जो समय मिलेगा उसको हम लोग आगे भी बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। पहला है, देखिए जो प्रश्न नंबर 1, 2 तीसरा क्लासवर्क करेंगे, पांचवा क्लासवर्क होमवर्क में करेंगे, छठवा होमवर्क करेंगे। अब देखिए गृहकार्य का, गृहकार्य में कौन कौन से प्रश्न करेंगे, गृहकार्य में प्रश्न संख्या तीसरा, पांचवा, तीसरा पांचवा सातवा, तीसरा पांचवा सातवा का और का, ये तीन प्रश्न आप इसमें करेंगे, ये तीन प्रश्न आप रिकॉर्ड करेंगे, बाकी सब क्लास में। अब देखिए एक शब्द में लिखना हो तब यहां लिखेंगे, एक अगेन उत्तरम, एक और एक उत्तरा,
यहाँ लिखा है व्याधस्य नाम की आसीत। व्याध का क्या नाम था? व्याध मतलब बहेलिया और व्याघ मतलब बाघ। तो व्याध का क्या नाम था? तो आता है चंचलह। क्या नाम आता है? चंचलह। दूसरा है, आप प्रश्न लेकर के तब तो लिखेंगे, चंचलह व्याघ्रम पुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा था? जंगल में, वने। और ब्रैकेट में देंगे जाले, जाले था, जाल में फंसा हुआ। गह कस्मय किमप अकार्य न भवत। कस्मय किमप अकार्य न भवत, कस्मय किसे कोई गलत नहीं लगता है जो भूख से व्याकुल होता है, चुभा खाए। सुधारता है, आगे है। नेक्स्ट है, बद्री गुलमानम दृष्टि का मिलना से। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था? नीलेना। आप लिखेंगे लोम शिकार। लोम शिकार। नेक्स्ट है, सर्वम किम समीहते। सर्वम स्वार्थम। एक शब्द आप लिखेंगे स्वार्थम। नेक्स्ट है, च निसहाय व्याध के याचक। असहाय होकर के बाघ अंत में क्या किस चीज की याचना करने लगा? प्राण भिक्षाम। प्राण भिक्षाम। प्राण भिक्षाम। तो ये पांच प्रश्न हैं। पहला है व्याधस्य नाम की मासी, बहेलिये का क्या नाम था, चंचला व्याघ्रम पुत्र दृष्टवान, बने, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा था, जंगल में, कस्मय किम अकार्य न भवत, कब किसे कह रहे हैं कि कस्मय किम, किसे कुछ भी गलत नहीं लगता है जो भूख से प्यासा है, भूख से व्याकुल होता है। और अगला है कि बेर की झाड़ी के पीछे कौन छिपा हुआ था? लोम शिकार अर्थात लोमड़ी। सब किसके वशीभूत होते हैं? स्वार्थ के वशीभूत होते हैं। और जब दोबारा बाघ जंगल जाल में फंस गया तो उसे उसने किस चीज की याचना की? प्राण, अपने प्राणों की, प्राण भिक्षा। अब अगला है पूर्ण वाक्य मुद्रण। आप यहां लिखेंगे पूर्ण वाक्य मुद्रा। अब जैसे कहा है, चंचलेन वनम किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता हुआ, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा
जलेन जलेन शांतम शांता शांता अभवत। आगे जलम कित्वा व्याघ्र किम् अभवत्, जल पीने के बाद बाघ क्या हुआ? जलम पीत्वा व्याघ्र अभवत्। क्या बोला? समय में पिपासा, समय में पिपासा शांतम आगे है। चंचला मात्र शोषण चंचल ने मात्र शोषण अर्थात मौसी कहकर किसे संबोधित किया? चंचला मातृशोषण जाले पुनः प्रथम व्याकरण विश्वा व्याधा की अनुरोध। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देख करके बहेलिया ने क्या किया? जाले पुनः व्याकरण विश्वा जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर बंदी ने क्या किया? जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर
लिया, घर प्रसन्न होकर के घर वापस हो गया। तो ये आपका दूसरा प्रश्न। उसके बाद तीसरा हमने कहा घर से करना है, एक उदाहरण दिया हुआ है, पहले क्लासवर्क वाला काम हम बता देते हैं। अब प्रश्न नंबर चार है प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण प्रश्न निर्माण पहला प्रश्न है, व्याधा व्याघ्रं जालात् बहिः निस्सारयत्। तो आप लिखेंगे व्याघ्रं कस्मात्, कस्मात् बहिः निस्सारयत्। एक प्रश्न आपका ये बन गया। उत्तर क्या था? बहेलिए ने बाघ को जाल से मुक्त करा दिया, अब जाल के नीचे अंदर लाए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि बहेलिए ने बाघ को कहां से मुक्त कराया? अस्मात। इसी तरह से अगला है, चंचलम वृक्षम उपगम वृक्षम। चंचल पेड़ के पास जाकर के पूछा, तो चंचल ने पेड़ के पास जाकर के पूछा, तो चंचल चंचल कम उपगम में, कम उपगम में, कम उपगम में अपेक्षा। आगे व्याघ्र रोग शिकायत निकलाम कथा में भेदे, व्याघ्र कस्मै निकलाम कथा। मानवा वृक्षाण छाया निर्मंत, मानवा केशान छाया निर्मंत। यहां पर है मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं? मनुष्य पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। उत्तर यह है, प्रश्न बात बन जाएगा, मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं। अंतिम है, व्याघ्र नद्या चलेन व्याघ्रस्य पिपासां अस्मय, कस्या जलन व्याघ्रस्य पिपासां।
व्याघ्रः व्याधम् कस्मात् बहिरिशारे, बहेले ने बाघ को कहाँ से बाहर निकाला। दूसरा है चंचल, चंचल किसके पास जाकर के पूछा। तीसरा है व्याघ्र कस्मे निकलाम हम ने दे दिया, बहेली व्याघ ने बाघ ने किससे अपनी सारी कथा बताई। मानव के शाम छाया में होते लोग किसकी छाया में श्राम करते हैं। और अंत में है व्याघ्र कस्याज ने व्याघ्र से पिपाशा। इस तरह से प्रश्न नंबर चार प्रश्न निर्माण होता है। प्रश्न नंबर छह, पहले छह बताओ तब फिर कार्य बताएं। प्रश्न नंबर छह, छह है निर्देशानुसार। निर्देशानुसार निर्देशानुसार सर्वम शिकाय सर्वम कथा निवेदय अस्मिन् वाक्य विशेषण पदन्ति। अस्मिन् वाक्ये विशेषण सर्वं आगे अहम् सर्वनाम पदम कस्मै किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है चंचलाय। सर्वं स्वार्थं समीयते क्या है कर्तव्य
का वार्ता मांग किया है अस्लिम वाक्य वाक्य क्रियापदम क्रियापदस्य पद पर चयन बच्चों इस तरह से एक बार प्रश्न नंबर आप 6 निर्देशानुसार उत्तर में एक बार फिर से देख लीजिए। हमने इसे करा दिया है, फिर समझ लीजिए। इस तरह के प्रश्न टेस्ट में अवश्य पूछे जाते हैं। व्याकरण का जो खंड होता है उसमें पहला है स लोम शिकाये सर्वां कथां निवेद्य, उसने लोमड़ी से अपनी सारी बातें कही बताई। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम, इस पूरे वाक्य में विशेषण पद क्या है, तो क्या बताई, कथा बताई। कैसी कथा, पूरी कथा। तो सर्वाम शब्द क्या है, कथा का विशेषण है, इसलिए यह विशेषण पद हो गया। आगे है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है। अत्र अहम इत सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ सर्वनाम पद किसके लिए आया हुआ है, अहम यह सर्वनाम पद किसके लिए आया है, चंचलाय चंचल के लिए आया है, जो बात बहेलिया है उसके लिए आया है। सर्वम स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ के वशीभूत होते हैं, इस
अर्थ में कर्ता पद क्या है? तो सभी सर्वम सा सहसा चंचलम उसृत्य कथयत। वह अचानक चंचल के पास पहुँच कर कहती है, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? अव्यय सहसा, सहसा अचानक। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मित वाक्य क्रियापदम की, क्रियापदम विज्ञापय और विज्ञापय का पद परिचय क्या है? वे उपसर्ग है, व्या मूल धातु है और लोप प्रकार है। इतना आप अपने कॉपी में कर लेंगे, ये क्लास वर्क का काम हमने पूरा बता दिया है, गृह कार्य कल मैं बता दूंगा। तो पहले क्लास वर्क वाला क्लास वर्क का काम कर लीजिए, गृह कार्य के लिए मैंने बता दिया है प्रश्न नंबर 3, 5 और 7वें का अ और आ, तीसरा 5वां 7वें का अ और आ, ये आप गृह कार्य में करेंगे जिसे कल मैं एक बार समझा दूंगा। धन्यवाद बच्चों।